के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चेन्नई में अनौपचारिक बातचीत खत्म हो चुकी है। दोनों के बीच 40 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वहां के कॉव रिजॉर्ट में ये बातचीत हुई। 40 मिनट से ज्यादा बातचीत दोनों के बीच हुई है और अब ये बताया जा रहा है कि अब प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद एक प्रेस रिलीज हो सकता है जारी की जाए। मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश हो कि आखिर दोनों नेताओं के बीच, दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि अनौपचारिक ये मुलाकात हुई है, कल भी दोनों ने कई घंटे एक दूसरे के साथ बिताए थे और आज एक बार फिर ये मीटिंग कॉव रिजॉर्ट में अब से कुछ देर पहले तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा दोनों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो कौन से मुद्दे रहे, कौन सा मसला रहा जिस पर बातचीत हुई है, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये दूसरा दिन है शी जिनपिंग के भारत दौरे का। कल मामल्लापुरम में भारतीय संस्कृति और चीन की संस्कृति किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उसके दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराए थे और आज ये अनौपचारिक मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा जो चली। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमिताभ जी, 40 मिनट से ज्यादा दोनों के बीच बातचीत हुई है, अब आगे किस तरीके से कार्यक्रम बढ़ेगा, क्योंकि जानकारी है कि अब प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद प्रेस रिलीज जारी कर मोटे तौर पर बताने की कोशिश होगी कि क्या कुछ बातचीत हुई। देखिए, बातचीत का सार तो जरूर अब से थोड़ी देर के बाद सामने आएगा, लेकिन ये जो बातचीत हो रही है ये दुनिया के हर कोने में और खासकर जो संकेत मिल रहे हैं वो व्यापार से जुड़ी हुई ज्यादातर बातें होंगी। तो आतंकवाद का मुद्दा जरूर है जो छाया हुआ है, कश्मीर का आतंकवाद है, दुनिया भर में फैला आतंकवाद है, कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं तमाम दुनिया भर में। लेकिन जो असली मुद्दा है वो है व्यापार वाणिज्य का, जो कि जिसकी जिसको जिसको चीन की भी जिसकी जरूरत चीन को भी है, जिसकी जरूरत भारत को भी है। और शायद जो 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 द्विपक्षीय बातचीत, जो इनफॉर्मल बातचीत शुरू हुई है, उसका मुख्य मकसद यही है। पहला मकसद कि जो सीमा पार विवाद है, सीमा को लेकर विवाद है, जो भी सेनाओं को लेकर विवाद है, चाहे वो पीओके से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश तक के हिस्सों की बात कर सकते हो, ये तमाम मुद्दों पर अस्थाई चीन की बात कर सकते हो, जो विवाद है, इन सीमा विवाद के आगे भी दुनिया है। ये इस बात का एहसास दोनों देशों को लगता है होने लगा है, दोनों राष्ट्राध्यक्षों को होने लगा है। कम से कम शी जिनपिंग जो 2012 से लगातार सत्ता में है, चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी एहसास है कि जो मुश्किलें हैं व्यापार जगत की, जो मुश्किलें हैं रिस्ट्रिक्शंस की, जो मुश्किलें हैं ट्रेड जगत की, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, उन सब से उभरना है तो पड़ोसी के साथ भी रिश्ते सुधारने पड़ेंगे। और शायद यही कारण है कि डोकलाम विवाद हो चाहे दूसरे विवाद हो, बिना किसी हंगामे के वो स्टैंड ऑफ के बाद सुलझते चले गए हैं। तो एक सीधा सा कहा जा सकता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है जिसकी ताकत को दुनिया के सारे देश अब स्वीकार करने लगे हैं। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहां जिसकी जरूरत दुनिया भर के तमाम शक्तिशाली देशों के हैं, जहां 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 बाजार सिकुड़ता जा रहा है, जहां ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, जहां एग्रीकल्चर में सब्सिडी को लेकर दुनिया भर के देश सभी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में भारत 125 करोड़ लोगों का बाजार है जिसकी जरूरत दुनिया के देशों को है। ऐसे में चीन को भी जरूरत है, अमेरिका को भी जरूरत है। तो दोनों शी जिनपिंग का प्रधानमंत्री मोदी से ये मिलना दिखाता है कि सीमा विवाद से आगे बढ़कर चीन भी काम करना चाहता है और भारत भी यही संदेश देना चाहता है कि भारत भी कभी हिंसा या लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखा है, चाहे वो प्राचीन भारत में दोनों देशों के संबंध हो, चाहे आने वाले दिनों में जो संबंध हो, ये व्यापार वाणिज्य और द्विपक्षीय ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और यही संकेत महाबलीपुरम से दिए गए हैं, जहाँ 1936 में बने अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल के ट्रस्ट के सांस्कृतिक फोरम के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया है, जहां पर दक्षिण भारतीय खाने का कुजिन परोसा गया है, जहां पर उनको मंदिरों के दर्शन कराए गए हैं और ये दिखाया गया है कि किस तरह से महाबलीपुरम जुड़ा हुआ था चीन के साथ, प्राचीन भारत का महाबलीपुरम में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों देशों को जोड़ेंगी आगे आने वाले दिनों में। और ये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जानते हैं
कि ये सब चीजें जब सुधरनी शुरू हो जाएं, तो व्यापार संबंध सुधरने शुरू हो जाएं, तो सीमा विवाद को मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है। जो कि सीमा विवाद तो अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज जहां भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया से छोड़कर चले गए, ये सारे अपने अपने देशों में वापस, लेकिन जो सीमा विवाद था उसको एक एक अनसुलझी पहली छोड़कर चले गए हैं, उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन पहले दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो कैमराडरी बढ़ी है, जो दोस्ती बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात होती है। दो राष्ट्राध्यक्षों की अगर तलखी कम जाए तो विवाद तो सीधे सीधे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। यही दिखा रहा है ये दोनों देशों के नेता जो कल से लगातार एक साथ बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनको समझा रहे हैं कि महाबलीपुरम से लेकर भारत का क्या महत्व है, आज की सुबह से लगातार बैठे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि अगर नेताओं के बीच की तलखी कम जाए तो दोनों देशों के बीच दूरियां पाटने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। और यही संदेश अपने जब थोड़ी देर के बाद अगर प्रेस रिलीज भी आती है तो उसमें यही संदेश होगा। यानी कोशिश यही कि पहले दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच तो संबंध मजबूत हो, उसके बाद सीमा विवाद की ओर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन क्या इस दिशा में ये वाकई एक सकारात्मक पहल कही जा सकती है, प्रयास कहा जा सकता है, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें एक बार फिर साथ, ये दूसरा दिन है शी जिनपिंग के भारत दौरे का, और आज दूसरे दिन शी जिनपिंग की और प्रधानमंत्री मोदी की अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई जो 40 मिनट से ज्यादा चली। और इस पूरे दौरे का जो मुख्य केंद्र है वो वाणिज्य व्यापार दोनों देशों के बीच किस तरीके से बढ़े, मजबूत हो, द्विपक्षीय संबंध किस तरीके से मजबूत हो, उसकी कोशिश, और इस कोशिश के तहत ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अनौपचारिक मुलाकात है, एजेंडा तय नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। और फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत, और उसके बाद जानकारी है कि एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, उसके जरिए मोटे तौर पर यह बताने की कोशिश होगी कि दोनों देशों के बीच आखिर किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। आपसे थोड़ी देर पहले 40 मिनट तक ये बातचीत हुई है दोनों देशों के नेताओं के बीच, व्यापार को लेकर, वाणिज्य को लेकर बातचीत, इसकी संभावना बेहद ज्यादा। हालांकि आतंकवाद को लेकर क्या बातचीत होती है यह भी देखना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत लगातार कहता रहा है कि आतंकवाद को लेकर दुनिया भर को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, और ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है।